गेट 2022 पोस्टपोन हो या ना हो, लेकिन जितने भी लोग यूट्यूब पर जाकर 50-50 मिनट का लाइव वीडियो 10,000, 8,000 जैसे बड़े नंबर में अटेंड कर रहे हैं, तो दोस्त गेट 2022 में तुम्हारी रैंक नहीं आएगी। कुछ लोगों को ये बुरा लगेगा, कुछ लोग ऑफेंड होंगे, बट सच यही है कि गेट 2022 में तो तुम्हारी रैंक नहीं आने वाली। एज ए सीरियस एस्पिरेंट मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि गेट 2022 पोस्टपोन ना हो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पेटिशन साइन नहीं करूंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ट्वीट नहीं करूंगा। बट एट द सेम टाइम जो हार्डवर्क आई हैव बीन पुटिंग इनटू माय गेट प्रिपरेशन सिंस लास्ट वन ईयर और जो मोमेंटम मैं पिछले एक साल से बना के रखा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इसकी वजह से वो मेरा हार्डवर्क, वो मोमेंटम हैम्पर हो। और अगर आप YouTube पर जाते हो तो आप वो हैम्पर होने से बिल्कुल रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ लोग बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोल बोल कर एक एनवायरमेंट जैसा बना दिए हैं कि गेट 2020 तो पोस्टपोन होगा ही। तो अगर आप ये कंटेंट कंज्यूम किए जा रहे हो, क्योंकि अभी गेट 2022 पोस्टपोनमेंट एक हॉट टॉपिक बन चुका है, हर कोई इस पर एक वीडियो बना रहा है और उस पर 200 टाइम्स मोर व्यूज आ रहे हैं पहले के कंपेरिजन में, तो अगर आप ये कंटेंट कंज्यूम किए जा रहे हो तो दोस्त सच है, एक्सेप्ट कर लो, गेट 2022 में तुम्हारी रैंक नहीं आएगी। और जब रिजल्ट आएगा तो रैंकर्स को देखकर दुखी मत होना। अगर अभी भी अपनी रैंक बचाना चाहते हो तो 15 दिन बाकी हैं। इंजीनियर हो, 15 दिन में बहुत हार्ड दे सकते हो। मेरे पास एक प्लान है, दो चीज़ें तुमको करनी है। पहली चीज़, यूट्यूब से कट ऑफ करना है, ओके, यूट्यूब को साइड कर दो। सेकेंड चीज, यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस 15 डेज, यू हैव टू गिव 12 आवर्स अ डे, ओके, बहुत मेहनत करनी है, 12 आवर्स अ डे देना है। क्या करना है 12 आवर्स में, वो मैं बताने जा रहा हूं। 15 डेज वी हैव, ओके, एंड 12 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे वी हैव टू गिव, ओके, व्हाट वी हैव टू डू इन दोज 12 आवर्स, 3 hours, 3 hours, 3 hours, 3 hours, ओके, three hours के 4 सिटिंग्स लगानी है, ओके, इन 1 3 hours, अगर आपका एग्जाम 9 to 12 है तो 9 to 12 में एवरी सिंगल डे यू हैव टू गिव अ मॉक टेस्ट, ओके, अगर 9 to 12 है तो 9 to 12 में, अगर 2:30 टू 5:30 में आपका एग्जाम है तो 2:30 टू 5:30 पीएम में एवरी सिंगल डे यू हैव टू गिव अ मॉक टेस्ट, ओके, इन रिमेनिंग दीज 9 आवर्स व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव 10 सब्जेक्ट्स, यू हैव टू रिवाइज ऑल दोज 10 सब्जेक्ट्स, ओके, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिवीजन एंड टेस्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज रिवीजन, ओके, इन 15 डेज यू हैव टू गो थ्रू ऑल योर 10 सब्जेक्ट्स, ओके, सो कैसे जाना है, 3 आवर्स की 3 सिटिंग्स लगानी है अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट, ओके, इन दिस 3 आवर्स यू हैव टू पिक 2 सब्जेक्ट्स, ओके, एंड दीज 2 सब्जेक्ट्स यू हैव टू फिनिश इन 3 डेज, ओके, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, ऑल 10 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पहले उठाओ, उन 2 सब्जेक्ट्स को 4.5 आवर्स दो, ओके, इन 2 सब्जेक्ट्स को, एक सब्जेक्ट्स को 4.5 आवर, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी 4.5 आवर्स एक दिन में रिवीजन करना है। कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसकी एक टॉपिक में से एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और थ्योरी रिवाइज करनी है, ओके, तो एक दिन में तुम्हारे पास 9 आवर्स हैं, 9 आवर्स में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ओके, इसी तरह 9 आवर्स एंड 9 आवर्स, 3 दिन में 2 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, ओके, सो 3 डेज में 2 सब्जेक्ट्स इस टाइप से खत्म करने हैं, एंड इन 15 डेज में 10 सब्जेक्ट्स ऐसे खत्म करने हैं। और अभी दिस इज अबाउट रिवीजन, और 9 to 12 और 2:30 to 5:30 में 15 मॉक टेस्ट देने हैं। इस टाइप से अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे ला सकते हो और यूट्यूब को कट ऑफ कर लो अगर अपनी रैंक वापस लानी है तो। अदरवाइज गेट 2020 में दोस्त तुम्हारी रैंक नहीं आएगी, सच है, एक्सेप्ट कर लो। थैंक यू।